प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे आलू, इसमें आलू डाल देंगे। आलू को थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, फिर इसमें हम डालेंगे परवल, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब परवल को आलू के साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम आलू परवल को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार से आप डालें। इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, दोनों को हम मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसको मिक्स करेंगे, ये हमारा हल्दी और नमक मिक्स हो गया। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। लाल मिर्च, लहसुन, जीरा और काली मिर्च, इसको हम पीस लेते हैं। देखिए, इसको हमने पीस लिया है। अब इसको हम सब्जी में मिक्स करेंगे। ये हमारी सब्जी है। अब इसमें हम सारे मसाले को ऐड कर देते हैं, फिर इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। ये सब मसाला डालने से सब्जी बड़ी लाजवाब बनती है। आप इस एक बार इस तरह से बनाइए। इसको हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देते हैं। 5 मिनट के बाद ये हमारी सब्जी देखिए बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल आलू परवल दोनों गल चुका है। बहुत ही लाजवाब सब्जी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।